हेलो एवरीवन, हाय। आज हम बात करेंगे संस्कृत बीएड के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे यार कि तैयारी कैसे करनी है आपकी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी निकल गया है, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटियों का आ जाएगा, ठीक है, साइट पर जाके आप भर लीजिएगा उसको। तो देखा, सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस देखना चाहिए किसी भी चीज़ का जो होता है, संस्कृत का जो सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर बीएड का, क्योंकि बीएड में कई सारी चीज़ें पूछ जाती है जो संस्कृत के अलावा भी होती है, जैसे सामान वामान करने, ठीक है। तो ये देखो यार, जो इसका जो पूरा फॉर्मेट होता है वो 160 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 नंबर का लिखने के लिए दिया जाता है। ये कुछ जैसे DU में हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, ठीक है, जगन्नाथ पुरी में हो गया, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का हो गया, सभी का फॉर्मेट थोड़ा एक ही जैसा होता है, कहीं कहीं लिखने के लिए दे दिया जाता है, कहीं कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं दोनों दिया रहता है। एक बात का ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है किस तरह से पेपर करवा रहे, परंतु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अधिकतर जगह पूछा जाता है, और 40 नंबर का लिखने के लिए। यहाँ तो जो भागों में विभक्त किया गया है, कई भागों में विभक्त किया गया, देखो यहाँ जो अधिकतर यहाँ पे जो ये वाला बहुत, ये जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है इसका। इसमें देखो यार, इसका जो भाग किया गया कि संस्कृत भाषा दक्षता जो है, यानी कि व्याकरण का जो सिलेबस है 40 नंबर का है, और 40 क्वेश्चन आपको लगातार मिल सकते हैं, यहाँ आगे पीछे भी मिल सकते हैं, लेकिन लगातार ही मिलते हैं, ठीक है। जो द्वितीय खंड में बल्कि मानसिक योग्यता और समान ज्ञान दिया गया है, ठीक है, इसमें 20-20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन इसका भी रहता है समान ज्ञान का, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछा जाता है। इस बुक जो चिरंतनी बुक है, इस बुक में पूरा इसका सिलेबस दिया हुआ विस्तारपूर्वक समझाया गया है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तीसरा जो खंड है संस्कृत वाङ्मय, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ, जैसे क्या कहते हैं रघुवंशम, किरातार्जुनीयम आदि सारी जो बुकें हैं उसको, रामायण महाभारत पुराण, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है, ठीक है। शिक्षणाभिरुचि में शिक्षण से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, 40-40 अंक का पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हो गया 160 नंबर का, तो हो गया क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। तो 40 नंबर का आप क्या आ रहा है, 40 नंबर का लिखने के लिए आ रहा है, इसमें वचन परिवर्तन के लिए दिया जाता है, इसमें निबंध लिखने के लिए दिया जाता है किसी पे संस्कृत में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैसे कवर करनी है, सारी चीज़ें आपको पहले से कवर करके रखनी है। बुक लेना है सबसे पहले चिरंतनी बुक, वो बुक बेस्ट है, क्योंकि उसमें सिलेबस जो दिया हुआ है ना, वो आप MA की भी तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा ना, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में और बहुत अच्छे ढंग से दी गई हैं, ठीक है, हम समझ जाएंगे। और YouTube का भी सहारा लीजिए, अन्य जैसे व्याकरण उकरण का है, क्योंकि वो तो बुक में ज़्यादा मिलेगा नहीं, आपको समझने के लिए क्या करना है, YouTube का सहारा, बहुत सारे चैनल हैं जो पढ़ाते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ का सहारा ले सकते हैं। और इसको एक्चुअली इतना सरल होता है, क्योंकि जैसे आप अभी सिलेबस देखेंगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरे सिलेबस की, ठीक है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो सिलेबस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें समास प्रत्यय व्याकरण उकरण में आ जाता है, ठीक है, समान ज्ञान में कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है, ये जो बुक है चिरंतनी, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं अच्छे से, ठीक है। तो और ये भी देख लीजिए, इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पेपर ओपर भी दिए गए हैं, श्री जगन्नाथ का हो गया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, श्री जगन्नाथ का हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का हो गया, अभी आया हुआ है फॉर्म, 1500 लग रहे हैं, ठीक है, भर दे। अगर देखो भाई 1500 रुपये खर्च कर रहे हो यार, तो जो जाहिर सी बात है तैयारी करो, ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती बहुत जगह, ठीक है, और ध्यान देना कि अगर माइनस मार्किंग होती भी है ना, तो 1/4 होती है, यानी कि 4 पे 1, ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप करके आएंगे तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, चौथे जो 40 नंबर का होता है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, निबंध उबंध लिखने के लिए दे जाता है, परिवर्तन करने के लिए देता है, वाच्य परिवर्तन के लिए दे देता है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, देखो यहाँ सारी चीज़ें दिया हुआ ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ऐसे करेंगे तो तैयारी हो जाएगी, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।